तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर आज का हमारा टॉपिक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर या फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और ये वीडियो जो है वो अपडेटेड है, क्योंकि जो पहले की वीडियो थी उतना उसमें डिटेल में समझा नहीं पाया था मैं, तो ये वाली नई वीडियो लेके आया हूँ मैं। सब्सक्राइबर्स ने बहुत बोला था कि यार इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नई वीडियो ले आया मैं। तो ये होप मैं इस वीडियो में अच्छे से समझा पाऊँ ये टॉपिक और आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर से। तो इसमें सबसे पहले मीनिंग देखना है ऑब्वियसली कि कंसेप्ट क्या होता है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय एक्ट एज एन इकोनॉमिक एजेंट एंड ट्रांसफॉर्म्स डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को एक ऐसा इंडिविजुअल बताया गया है जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करता है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है ना, उसको बनाता है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए। कमर्शियल पर्पसेस मतलब पैसे वैसे कमाने के लिए। ऑलराइट, जो मतलब मार्केट में पोटेंशियल डिमांड्स देखता है गुड्स एंड सर्विसेज की, और इकोनॉमिक एजेंट बनता है कि मतलब कैसे उस डिमांड को हम फुलफिल करेंगे। इकोनॉमिक एजेंट बनता है वो। ऑलराइट, और ट्रांसफॉर्म करता है डिमांड और सप्लाई को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Entrepreneurs are considered economic agents since they integrate the various factors of production, that is land, labor, capital and enterprise to get the desired results. अब entrepreneur को बोला गया एक economic agent जो integrate करता है, जो साथ में लेकर आता है factors of productions को। जो factor of production क्या क्या होते हैं, land होता है, labor होता है, capital होता है और enterprise होता है, जो इन सबको mix करता है और desired results को produce करता है। ठीक है, while doing so an entrepreneur performs the following functions। अब ये करने के दौरान एंटरप्रेन्योर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, स्काउटिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। अब एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज देखता है सबसे पहले फंक्शन में वो, कि मार्केट में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपनी एंटरप्राइज शुरू कर सकता है, जिससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकता है। एंड एनवायरमेंट को स्कैन करता है वो सही से, और क्या क्या कहाँ पे लैग कर रहा है, क्या कंज्यूमर्स को चाहिए, क्या उनसे मतलब क्या उनको नहीं चाहिए, क्या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, ये सारे देखता है और उससे क्या करता है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करता है। सेकंड है जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। अब उसको एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज पता चल गई, यहाँ पे यार मैं कर सकता हूँ अपना बिजनेस, तो अब वो बिजनेस आइडिया जनरेट करता है कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ऑलराइट, और कैसे कैसे हमारा बिजनेस चलेगा, ये सारा बिजनेस आइडिया जनरेट करता है वो। थर्ड है कन्वर्टिंग आइडिया इंटू रियलिटी। अब बिजनेस आइडिया जनरेट करने भर से तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी नहीं, अब उसको रियलिटी में लाना पड़ेगा। तो फिर उसको क्या करता है, बिजनेस आइडिया जो भी बनाया ना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स बनाता है, ताकि रियलिटी में उसको एक फॉर्म दिया जा सके, शेप दिया जा सके, दिखे, मतलब जो बिजनेस आइडिया है उसको एग्जिस्टेंस मिल सके एक। समझ गए होंगे। फोर्थ है अरेंजिंग रिसोर्सेज। अब मतलब बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है, लेकिन अब उसमें आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसको कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं है बिजनेस आइडिया इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, भाई ये इमेजिनरी नहीं होता, इसको करना पड़ता है, इसमें परफॉर्मेंस लानी पड़ती है, और परफॉर्मेंस करने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए। फिफ्थ में करता है वो सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल वो खुद से भी लगा सकता है, बाहर से भी ले सकता है, तो सप्लाई ऑफ कैपिटल एक तरह से यही हो गया कि वो किस किस से अपना पैसा लेना चाहता है, फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोल सकते हैं, ठीक है, कैपिटल की सप्लाई वो कहां से ले रहा है। तो फिफ्थ ये हो गया। सिक्स्थ हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज। अब आइडिया रियलिटी में ला दिया उसने, रिसोर्सेज भी लगा दिए सारे, सप्लाई ऑफ कैपिटल उसको फाइनेंस भी मिल गया, अब क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा अपनी एंटरप्राइज को फाइनली, मतलब रियलिटी वगैरह सब हो गई, सब वो मतलब एकदम ओके रिपोर्ट हो गया सब कुछ, अब उसको क्या करना है, एंटरप्राइज बनानी है। तो वो जो भी अपना बिजनेस आइडिया है उसको एंटरप्राइज का रूप देगा। अब क्या करेगा, एंटरप्राइज बनाने भर से तो हो नहीं जाएगा कि वो अपने आप ही मतलब चलती रहेगी, अपने आप ही हमें रिटर्न्स मिलते रहेंगे, उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो ये भी एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन होता है कि जो एंटरप्राइज उसने बनाई है उसको टाइम टू टाइम मैनेज करता रहे। और लास्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब उस मतलब मैनेज करने से ही थोड़ा ना हो जाएगा यार, मैनेज करते रहोगे तो उससे ही हमें रिटर्न थोड़ा मिलेगा, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। ये तो है नहीं जितने से स्टार्ट किया था उतने पे ही रहना है आपको, बिल्कुल नहीं यार। तो हमें उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे, कैसे हम अपनी एंटरप्राइज को ग्रोथ की तरफ ले जाएं, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। तो ये सब भी कौन करेगा, एक एंटरप्रेन्योर करेगा। तो यही था इस वीडियो में, होप आप समझ गए होंगे जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया। और आई एम सॉरी अगर बहुत मतलब जल्दीबाजी में निकाल दी मैंने वीडियो, लेकिन इतना कुछ था नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो एक तरह से फ्री का ही नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स है ना,
नोट कर लो या तो, या इसके रट्टे लगा लो, 7 है कि 8 है, 8 पॉइंट है, सॉरी 8 पॉइंट्स है सारे, तो इन्हें नोट कर लो अच्छे से। और अगर मतलब कुछ भी लिख दोगे, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन पॉइंट्स है ना एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। तो कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख ही देना, और लाइक कर देना इस वीडियो को, पसंद आई गई होगी, और सब्सक्राइब करना भूलना मत मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।